लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मम्मी कहाँ है वो? कौन? वो मुझे मार डालेगा। कौन मार डालेगा? मम्मी कुछ नहीं होगा। घबराने की कोई बात तो नहीं? नथिंग टू वरी, ये टैबलेट्स इनको देते रहिएगा, शी विल बी ऑलराइट। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आंटी क्या बात है, मुझे बताइए, कौन परेशान कर रहा है आपको? अरे कुछ नहीं बेटा, 24 घंटे उल्टी सीधी बातें सोचती रहती है, फिर उसी के सपने भी देखती है। एक तो मेरी तबीयत खराब है, ऊपर से आप ताने देने से बाज नहीं आते। तानों का जवाब देता लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए आराम करो। विकी बेटे मुझे बहुत टेंशन है, अगर तुम्हारी शादी मधु से हो जाए तो मैं रिलैक्स हो जाऊँ। मम्मी प्लीज। तू चुप रह, बोलना। आंटी आप जैसा कहेंगी वैसा होगा, एग्जैक्टली वैसा होगा। मधु बेटी एक ग्लास पानी लिया। विकी मेरा तो कोई बेटा नहीं है, इसलिए बंगला मोटर गाड़ी जायदाद फैक्ट्री सब तेरे नाम कर दूंगी। तू जल्दी से जाके कोर्ट से अपॉइंटमेंट ले ले, 2 दिन में सिविल मैरिज हो जानी चाहिए। अब आंटी आपके आगे तो मैं बोल नहीं सकता ना, अब जैसी आपकी इच्छा। मैंने भी अगर 2 दिन में इनको भिखारी नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी चौबे नहीं। ससुर जी हम लोग कहाँ आ गए? कैसीनो है। ये कैसीनो क्या होता है? जुआ घर, यहाँ जुआ होता है। नहीं 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 नहीं, हमारे को भी जुआ नहीं आता, वो हार जाएंगे। अरे मनु जब तू बोलेगा हम लोग जीत जाएंगे तो हम लोग हार जाएंगे, जब तू बोलेगा हम लोग हार जाएंगे तो हम लोग जीत जाएंगे। ओ, चलो चलो चलते हैं चाचू। चलो भैया लगाओ यार। अरे ससुर जी आप बेकार हो गए। क्यों? क्योंकि आप अपनी कार हार गए। तो क्या हुआ, अभी ऑफिस बाकी है। अरे ऑफिस के बाद तो आप एकदम टाइट फिश हो जाएंगे। कोई फिश नहीं होगा, बांटो। हाँ बांटो भाई, बांटो भाई। ये चाचू आप ऑफिस भी हार गए। अरे आज मेरा लक बहुत जोरों पर है, अब तो मैं फैक्ट्री लगाऊंगा। फैक्ट्री लगी भाई। लगा भाई, नाइस मैन। अरे 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 ये भी गया। चाचू आप फैक्ट्री भी हार गए। अरे तो क्या हुआ, मेरे पास है अभी। हाँ घर बचा है। हाँ अच्छा हुआ याद दिला, घर लगी भाई। हार गया, ओ मैं हार गया। तुम कहाँ थे तुम रात भर? भूत, भूत। ये भूत नहीं है, ये यमदूत है। यमदूत? हाँ, हमें धोखा हुआ है। ये मरा नहीं, जिंदा है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे सर की कसम। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की? इनसे कहो कि अभी घर इनका नहीं। माय माय। हाँ बोलता हूँ भाई, बोलता हूँ। ये ठीक कह रहा है लिली, रात को है ना मैं जुए में सब घर जायदाद प्रॉपर्टी से हार चुका हूँ। क्या? हाँ मैं रात को है ना कैसीनो बैठ के पी रहा था तो अचानक ये मेरे सामने आके बैठ गया। कहने लगा क्या जुआ खेलोगे? मैं डर गया, फिर मैंने इसे टालने के लिए कहा अच्छा ठीक है मैं खेल लेता हूँ। मैं समझा भूत है, जीत भी जाएगा तो मेरे से क्या ले जाएगा। ये सब मुझसे जीता गया जीता गया। जब जीत गया तो बोलता मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। मुझे सब जीत गया, मैं हार गया। हारे तुम हो, मैं नहीं। मैं अपनी प्रॉपर्टी में से इसे एक फुटी कौड़ी तक नहीं दूंगी। ए बड़ो, अपनी बुढ़िया से कहो कि अपना पोटली बिस्तरा उठाकर अपनी बिटिया के साथ आउट। What do you mean? अरे बुढ़िया हमको मालूम है कि तुम बहुत नॉटी हो, इसलिए हम हमारे साथ सिंगापुर का कानून भी लेकर आए हैं। अरे अब मन चला, अरे तनिक नोटिस तो दिखा यार। मैं आया 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 आया। अरे आप आइए ना और बताइए उस बुढ़िया को किस पापड़ी का मालिक है। नहीं है मेरा दोस्त गोपी है। अरे बता ना यार। According to the country of the nature of the manipulation of the speculation of the Singapore government, this property belongs to Mr. Gopinath. अरे राम 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 राम, बड़े बेशरम लोग हैं भाई, इतनी बेइज्जती होने के बाद अभी तक यहाँ पर खड़े। अरे भाई निकली यहाँ से वरना हमको जबरदस्ती धक्का देना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, हम पे दया करो, हम आपके इन्हीं चरणों में पड़े रहेंगे। अरे पड़ जाओ ना नीचे। तुम पढ़ो, मैं क्यों पढ़ू? छोड़ो। अरे कचरे की तरह बाहर फेंक देंगे, बैठ नीचे। अरे निकालो यार। व्हाट हैपेंड मम्मी? तुम्हारे डैडी ने हमें कहीं का नहीं रखा, हमें बर्बाद कर दिया। इस गवार गोपी के हाथों हमारी सारी प्रॉपर्टी हार गए। क्या बोली? माफ कर दो, गलती हो गई, अनजाने में माफ कर दो। अरे जाने दो गोपी भैया, बनारस में कितने भिखारी आपके टुकड़ों पर पल रहे हैं, इधर सिंगापुर में ये 3 भी पल जाएंगे, बचा कुचा इनको डाल लेंगे। मैं इन लोगों को माफ तो कर सकता हूँ अगर इन लोग मेरे हिसाब से रहे तो। बिल्कुल आपके हिसाब से रहेंगे। अरे बैठ जाओ ना, क्यों अपने घर में भिखारी बन के रहना चाहती हो? बैठो, हाथ जोड़ो हाथ। माफ किया। सब कहाँ मर गए? ए बुढ़िया, काहे इतना चिचिया रही हो? करके सब
हैं? मैं तो खुद नौकरी कर रहा हूँ, जवाब दो भाई। नौकर निकाल दिए। निकाल दिए? हाँ। निकाल दिए? हमसे सवाल पूछ रही है? हाँ? इनका पोटली बिस्तर उठा के बाहर फेंकिए। नहीं नहीं हम बताते हैं मालिक, क्या है कि ये नींद में है, इसको याद नहीं कि अब ये घर की मालकिन नहीं रही, नौकरानी होगी। क्या करती है? मालिक कहते हैं जब घर में दो मुस्टंडी औरतें हो। मैं नहीं कह रहा हूँ, मालिक कह रहे हैं, तो फिर नौकरों की क्या जरूरत है? इसलिए तुमको काम करना पड़ेगा। तुमको अच्छी तरह से मालूम है कि मैं घर का काम काज नहीं करती। कैसे नहीं करोगी? खाना खाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। देखो हम लोग भी तो काम कर रहे हैं। अच्छा है, झाड़ू लाऊं? मत सुन, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी, समझे? दरवाजा सोच लो। सुनो, मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रह सकती। अपने आप को समझता क्या है शीला? हेलो आंटी। अच्छा तुम लोग आ गए, मैं घर छोड़कर तुम्हारे पास ही आ रही थी। घर छोड़कर? बट व्हाई? ये सब इसी की वजह से हुआ है। ये हमारी सारी जायदाद का वारिस बन बैठा है और हमें हमें सर्वेंटों की तरह ट्रीट करता है शीला। मैं अपनी इज्जत नहीं गवा सकती। लिली, मैं तो तुमसे ये कहने आई थी कि हम एक महीने के लिए बाहर जा रहे हैं। What? Let's go. देखा सासू जी, दौलत नहीं रही तो कैसे कन्नी काट रहा है? क्यों बे? तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारे घर में आने की बे? क्यों बे लप्पू झन्ने, उस दिन की मार भूल गया? चल कान खोल के सुन लो सासू जी, यहाँ आना है तो नौकर बन के रहना पड़ेगा। Shut up! रहेगी रहेगी, जरूर रहेगी, रहेगी ना, है ना, रहेगी ना। मैं और मेरी बेटी इसके नौकर बनकर नहीं रहेंगे, समझे? इसके पोटली बिस्तर बाहर फेंको। क्या है, तुम्हारी बेटी 10 बजे तक सोती रहती है? मैं सब ठीक करता हूँ, ये करेगी, घर का सब काम करेगी, खाना पकाएगी, झाड़ू मारेगी, गटर तक साफ करेगी, है ना? अरे हाँ बोलना, पिटवाएगी क्या? हाँ जोड़ के बोलने बोले। ये समझ ले मेरा हाथ है तेरा नहीं। हाँ बोल। हुआ देखकर हाँ क्या बोल रही है? यहाँ देखकर बोलिए। अच्छा, ये लो। हाँ। का बोलिए ना, कितनी अच्छी लग रही है। ये क्या है? ये ऐसे गुस्से से क्या बोल रही है, प्यार से बोलिए। हाँ चलो अपन चल के झाड़ू मारते हैं। चलो हाँ डालो, हाँ डालो डालो डालो, वो भी डालो, लीजिए मान ली, वो भी डालो, वो भी डालो। पानी कहाँ है, जग कहाँ है? पानी अभी 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 कभी। बेटी तू भी खाना खा ले। हमारे खानदान में औरतें पति से पहले खाना नहीं खाती। रफ्ता रफ्ता सीख जाएगी। अरे कभी सीख जाएगी। आप खाना तो खाइए। हाँ खा रहे बाप। खाना किसने बनाया? मैंने नहीं, मधु बेटी ने बनाया है। मधु बेटी ने बनाया। नाचना गाना क्लबों में जाना सब सिखाया है, खाना बनाना नहीं सिखाया? सारा मूड खराब कर दिया। गोपी भैया चलो बाहर जाके खाना खाते हैं, किसी हिंदुस्तानी होटल में। हाँ चलो चलो चलो। भगवान आपका भला करे, लेकिन मुश्किल है। कितने जंगली लोग हैं, इतनी बेइज्जती करते हैं और तुम कुछ नहीं बोले। हम तो नौकर हैं, मालिक को क्या बोल सकते हैं? चल बैठ। बैठो मत, नहीं तो मालिक डांटेंगे। मधु बेटी सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। डोंट वरी माय चाइल्ड, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। आई एम विद यू। वेट हियर प्लीज, वेट हियर। Congratulations, it's a baby boy. हम बाप, अरे आप उठ जाइए भैया, आपको देखना ना देखना इधर सा, हमको अपने बेटे को देखने दो भाई। You know, मैं तुम्हारे बेटे को देखने नहीं जा रही हूँ, अपनी बेटी को देखने जा रही हूँ। अरे आप अपनी बेटी को बाद में देख लीजिएगा, इनको एक दिन के लिए रोक लीजिए, इनकी छाला पड़े तो हाथ जोड़ते हैं भैया। हर महादेव। तुम जीत गई, हम हार गए। हमने बहुत कोशिश की तुम्हें मनाने की, मगर तुम में सुधार नहीं आया। हमने तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है, तुम्हें तुम्हारी दौलत और तुम्हारा सिंगापुर मुबारक हो। हम अपने बच्चे को लेकर हिंदुस्तान जा रहे हैं, अपने घर, अपनी माँ के पास। नहीं,
खुशखबरी है। क्या यार, हमारे रास्ते का कांटा खुद निकल गया। वो बच्चा अपने साथ ले गया और हमारी सारी जायदाद हमें वापस कर गया। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब तुमने क्या सोचा है? अरे इसमें सोचना क्या है, विक्की और मधु की शादी। हेलो हेलो लिली, हेलो लिली, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। मधु बेटी, कहाँ जा रही हो? इंडिया। इंडिया? पागल तो नहीं हो गई? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, मुझे अपने बच्चे के पास जाने दो। कितनी बदनसीब माँ हूँ मैं, जन्म देने के बाद अपने बच्चे की सूरत तक न देख सकी। नादान मत बनो, बड़ी मुश्किल से उस गवार से पीछा छूटा है। रहा बच्चे का सवाल, विक्की के साथ शादी के बाद दूसरे बच्चे पर प्यार लुटा देना। वाह 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 वाह, क्या माँ है, अपनी जिद को पूरा करने के लिए अपनी बेटी का भी घर बर्बाद करने से बाज नहीं आ रही। अरे तुम तो कभी अच्छी माँ बन नहीं सकी, कम से कम अपनी बेटी को अच्छी माँ बन जाने दो। तुम चुप रहो जी। मैं सारी जिंदगी चुप रहा, लेकिन आज चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि आज चुप रहा तो मेरी बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा और वो मैं कभी होने नहीं दूंगा। जा बेटी, मैं बेटी नहीं जाएगी। ये जाएगी। मैं नहीं जाएगी। बहुत शौक था ना तुझे शादी करने का, आज तेरे सारे अरमान पूरे हो रहे। चल हट, आज बड़ा मजा आएगा इसे। सब तैयारी हो गई, पंडित जी भी आ गए। हाँ। गोपी भैया कहाँ है? तैयार हो रहे, मैं उनको लेके आता हूँ। हाँ ठीक है। रानी। नहीं नहीं बेटे, नहीं रोती, दूध पी ले, दूध पी ले बेटे। ओहो चुप हो जा, अच्छे बच्चे चुप हो जा। क्या हुआ शांति बहन, बच्चा क्यों रो रहा है? क्या करूँ, 8 दिन का बच्चा है ये, इसे बहुत भूख लगी है, इसे तो माँ का दूध चाहिए। लेकिन नहीं पिला तू? रुक जाओ माँ, मैं इस औरत की छाया भी नहीं पड़ने देना चाहता अपने मुन्ना पर। अगर इसका दूध मेरे बच्चे के रोगों में चला गया तो ये भी इसी की तरह बदतमीज और निर्लज्ज हो जाएगा। इतना जुल्म मत करो गोपी, एक माँ से उसके बच्चे को दूध पिलाने का अधिकार ना छीनो। अधिकार? अधिकार बहुत से होते हैं, पति का पत्नी पर, सास का बहू पर। हाँ एक और अधिकार होता है, माँ का बेटे पर, जो सबसे बड़ा अधिकार होता है। मगर उस दिन वो अधिकार कहा गया जिस दिन तुम अपनी माँ के साथ मेरे इसी बच्चे को गिराने के लिए अस्पताल गई थी। उस वक्त इसकी जान हमने बचाई, इसलिए इस पर केवल हमारा अधिकार है। अरे पूरा बनारस जानता है कि इस बनारसी बाबू का सर झुका नहीं कभी किसी के सामने। मगर उस दिन हम उस डॉक्टर के कदमों में गिर गए। हमने उनसे कहा कि डॉक्टर ये हमारे खानदान का चिराग है, इसकी जान बचा लो। तब जाकर यहाँ पर, और आज तुम अधिकार की बात करती हो, बहुत अच्छे। ऊपर वाले से डरो गोपी, एक बच्चे को उसकी माँ से अलग करना बहुत बड़ा पाप है। मुझे माफ कर दो माँ, मेरा बच्चा मुझे दे दो। माँ माँ, तू इसके मगरमच्छ के आंसू पे मत जा माँ, तू 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 मेरा बच्चा छुपा देना माँ। गोपी तू पागल हो गया है क्या? अरे यह हक सिर्फ मधु का नहीं है, ये तो बच्चे का हक है, क्योंकि ये तो भगवान ने तय किया है कि माँ के दूध पर सिर्फ बच्चे का अधिकार होता है। ले ले बहू। गोपी भैया, ओ गोपी भैया, पंडित जी कह रहे हैं कि शादी का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, आप कृपा करके जल्दी करें। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। देखो ऐसे शुभ मौके पर अशुभ बातें मत करो, जो बात करनी शादी की बात करना, समझी? अगर आपको शादी करनी है अपने बच्चों को लांघ कर कीजिए। गोपी क्या देख रहा है, बच्चे को उठा? गोपी ना ही हम अपने लल्ला जी को लांगेंगे और ना ही ये शादी रुकेगी। पकड़ो माँ। सुनो सुनो गांव वालों, सुनो गांव वालों, आप सबके सामने इसने मुझसे शादी की थी,
मेरे साथ अग्नि के साथ फेरे भी लिए थे, मेरी मांग में सिंदूर भी भरा था, और आज आज ही किसी और की मांग में सिंदूर भरने जा रहा है। सिंदूर का मतलब समझती हो? वो मांग में क्यों भरा जाता है? माथे की बिंदिया का मतलब समझती हो? गले के मंगलसूत्र का मतलब समझती हो? हाथ की मेहंदी का मतलब समझती हो? इस कंगन का मतलब समझती हो? पांव की पाजेब का मतलब समझती हो? इस बिछुए का मतलब समझती हो? हाँ, ये सच है कि हमने इसके साथ साथ फेरे लिए थे, मगर ये सात कदम भी हमारे साथ नहीं चल पाई और उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अरे माँ की इज्जत, बड़ों का आदर, सत्कार संस्कार हर चीज ताक पर रख दी, और पति को तो कुत्ता बना दिया, डॉग। हमसे कहती है कि हम गवार हैं, अरे हम तो कहते हैं कि हम हैं गवार, जैसी भारतीय खाटी बनारसी, मगर आप लोग क्या है, है? ये विदेशी सॉन्ग रचने वाले अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, मॉडर्न। अरे अंग्रेजों का कोई प्लस पॉइंट तो लिया नहीं, पूरी दुनिया पर राज किया उन लोगों ने, एक हाथ में सिगरेट, दूसरे हाथ में दारू की बॉटल, है होटो पे लाली मुंह में गाली, हाय मम्मी हाय डैडी बाय पति। अपने आंखों के ऊपर विदेशी चश्मा लगाकर ये लोग हमसे पूछते हैं कि तू कौन है, अरे हम लोग आपसे पूछते हैं कि आप कौन है, देसी नहीं विदेशी नहीं, अनाथ है अनाथ, ऑर्फन। गोपी मुझे माफ कर दो, और कितना जलील करोगे। देखो मिसेस गोपी, हमारी रगों में हमारी माँ का दूध और शुद्ध गंगा जल बह रहा है, इसीलिए हम जीवन में किसी भी पद पर डगमगाते नहीं। एक बार शादी की है जीवन में, बार बार नहीं करेंगे। ऐ मंचला, यस बॉस, दूल्हे को लेकर आ रहे। मेड इन इंडिया। वो देखो। हाँ, अरे बस करो बस करो, अभी हम तुमको कभी नहीं रुलाएंगे। देखा माँ, जीती रहो। मैंने कहता था। अच्छा तू कहता था। अरे क्या यार, शादी हो रही है, सब लोग क्या रोनी सुनो लेकर बैठे हो? अरे धमाल करो, मस्ती करो, एंजॉय करो यार। हाय, कौन है? आज से 25 साल पहले मेरी इनकी शादी हुई थी, ये सारी जिंदगी मेरी वाइफ बनी रही, आज मेरी पत्नी बनी। क्या बात कर रहे हैं? पाए लागू सासू जी। सासू माँ। अरे हाँ, ये तो बदल गई। बदल गई हैं। अच्छे तो नहीं देखे।